नमस्कार मैं शास्त्री जी मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं चलिए आज हम इस एपिसोड में विशेष चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में और सनी ग्रह स्वामी किसका तो कुंभ राशि के बारे में चर्चा करने जा रहे हो कुंभ राशि हमारी कुंडली में सबसे अच्छी राशि मानी जाती है जिन जातकों की कुंभ राशि है वह जात इस बात का विशेष ध्यान रखें वर्तमान में कुंभ राशि में शनि की साढ़े साथ ही चल रही है जो कि प्रथम पहर चल रहा है जो प्रारंभ हुआ है चौबीस जनवरी दो हज़ार बीस से और पहला प्रारंभ चलेगा आपका जुलाई दो हज़ार बाईस तक और यह साढ़े आपकी कुंडली में चलेगी जुलाई दो तक चलेगी यही बहुत ही महत्वपूर्ण समय भी और नुकसानदायक जिन जातकों की कुंडली में शनि का दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत ही हानिकारक है और जिनकी कुंडली में शनि की कुंभ राशि बहुत ही उत्तम भाव में बैठे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तो बता दें कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कितनी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है और होने वाली है तो चलिए चर्चा करते हैं जिसका लंबे समय से इंतजार था वही चर्चा हमारे सामने आ गई हमारे शनि देवता कुंभ राशि के स्वामी हैं और लगभग 23 मई 2021 से बकरी चल रहे हैं और ये मार्गी होने जा रहे हैं 11 अक्टूबर को तो 11 अक्टूबर को जैसे ही शनि देवता मार्गी होंगे कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही खुशी का समय और और बड़ बहुत बड़ बड़ी खुशखबरी है कि चलिए आपके ग्रह जो रहे हैं स्वामी हो वह मार्गी होने जा रहे हैं मार्गी का मतलब होता है आगे चलना और बकरी का मतलब होता है पीछे चलना तो चलिए आप देखते हैं कि क्या फल प्राप्त होगा कुंभ राशि वालों को और उनके जीवन में क्या क्या अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी तो आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय वर्तमान में पद प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत अच्छा टाइम आ रहा है ग्यारह अक्टूबर से और जिन लोगों के कार्य क्षेत्र व्यापार क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से निरंतर नुकसान हो रहा है उनके लिए भी 11 अक्टूबर के बाद में उस व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी और जीवन में काफ़ी वृद्धि होगी और यदि स्वास्थ्य को लेकर के जिनको पेट की कमर की पैरों की दिक्कत है एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना होती है उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है 11 अक्टूबर के बाद हर क्षेत्र में स्वास्थ्य पक्ष में सुधार होगा और शरीर आपका शीघ्र ही कंप्लीट हो जाएगा आप इस बात की कतई चिंता ना करें क्योंकि वक्त जब साथ देता है तो ग्रह जब साथ देता है तो इंसान अच्छा अच्छों को मात देता है प्रारब्ध और ग्रह बड़े बलवान होते हैं यदि आपका कर्म ग्रह के साथ है तो जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त आप कर सकते हो 11 अक्टूबर के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष परिवर्तन होने वाला है परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा जिन कुंभ राशि वालों का साढ़े सात ही गलत भाव में पड़ा हुआ है सावधान रहें आगे बिन के लिए खतरा का सूचक बना हुआ कोई नवीन ना करें और विशेष जानकारी के लिए इस एपिसोड में आप मेरा नंबर दिया जाता है शास्त्री जी महाराज के द्वारा आप उसमें फोन करके कुंडली की पूर्ण विवेचना निःशुल्क कराएं और जानकारी लें कि क्या ग्रह शनि आपके जीवन में आगे भी कितनी सफलताएं दे सकता है और कितना नुकसान दे सकता है क्योंकि शनि ग्रह को इतना हल्के में और नाम मात्र में मतलब क्योंकि शनि ग्रह का दुष्प्रभाव बहुत ही खतरनाक और घातक होता है और शुभ प्रभाव इतना खतरनाक साबित होता है कि शुभ प्रभाव से आदमी के जीवन में जीवन की काया परिवर्तित हो जाती है रंक को राजा और राजा को रंक बनाने में शनि देवता बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हैं कि कार्य सिद्ध होंगे मांगलिक कार्य का भी अवसर प्राप्त होगा और साथ ही साथ घर में कोई खुशखबरी का माहौल बनेगा भूमि भवन वाहन में भी सुख शांति और वृद्धि प्राप्त होगी ऐसी नाना प्रकार की जानकारी भी अब जुड़ रही है हमारे चैनल से आप सभी को कोटि कोटि नमस्कार